तो सही जेपी आपने और वही चीज देखिए वहां पे पता था टीम को हाथों तो ओमेगा तो उनके एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं ओमेगा इसीलिए गॉडल गर्ल्स तुरंत बिना समय को बर्बाद करे हुए उन्होंने स्लैमिन डाल दिया बट सैम से थोड़ा सा बचना होगा अगर उनको सैम की पोजिशन का अंदाजा नहीं तो सैम वहां पे गेम चेंज कर सकते हैं क्लची उनके दस सामने लेकिन रेबल आई जरूर स्पॉट के हो गए यहाँ पे नॉक निकालना पड़ेगा निकालना लेकिन મે ગેમ ચેન્જ કિયા ઓર દિક્કતો મે ડાલ દિયા હેક્ટર UMP45 ચલિયે એક ઓર પ્લેયર ડાઉન સોલો કે આયા એક ગ્રેનેડ और उसके हाथों यहां पे दिक्कतों में डाले गए क्रैक का ये ग्रेनेड ओमेगा अपनी टीम के अभी के लिए एक लास्ट प्लेयर बचे थोड़ी देर पहले संयम थे वो जीवन दान जिन्होंने अपनी टीम को दिलाया था वो एक प्लेयर बने थे जिन्होंने अपनी टीम को जीवन दान दिलाया था अभी के लिए ओमेगा वो प्लेयर बन रहे हैं जो अपनी टीम को जीवन दान दिला रहे हैं लेकिन नियोमी वो प्लेयर बन रही है जो अभी के लिए सोल को एलिमिनेट करना चाहती है इस मैच से लगातार कनेक्शन ढूंढ रही है और काफी अच्छे कनेक्शन भी क्योंकि इतनी दूर से नॉक निकालना इतना आसान होता नहीं और देखिए कितना ओपन में प्रोन है अगर गॉडल के प्लेयर्स या सोल के प्लेयर्स को हल्का भी आइडिया होता है कि प्लेयर्स काफी ओपन में प्रोन होके कनेक्शन ढूंढना चाह रहे तो डेफिनेटली वहां पे गेम चेंज किया जाएगा लेकिन चलिए वहां पे अब दिक्कतें बढ़ेंगी सयाम एक बार फिर से इस प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी अपनी टीम की क्लची डाउन जरूर है क्रेटोस को स्पॉट कर लिया होगा मे चलिए फिर से कुछ थ्रोएबल्स का प्रयोग एक अच्छा ग्रेनेड एक परफेक्ट ग्रेनेड इनकी तरफ से एक ग्रेनेड ऑलरेडी देख चुके हैं और एक और ग्रेनेड देखेंगे डाउन क्लची बाहर हो चुकी है क्रेटॉस इज नॉट दोलो सर्वाइवल सयाम लुक बच पाएंगे से बच भी गए क्रैकॉस उनकी हेल्थ देखिए जेपी बिल्कुल भी नहीं है कि किस्मत थी जो वो के इतनी बुरी किस्मत ना ही हो तो अच्छा है